सो हेलो गाइस, आ चुका आपका भाई ओरिंग न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस क्या आप लोगों को भी लाइट रूम का प्रो एडिटर बनना है? तो गाइस काफी आसान है। तो गाइस आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख देख के थक गए होंगे कि सब लोग बताते हैं तो कोई स्किप कर देता है वीडियो को, तो कोई प्रीसेट यूज करता है, तो अगर आप लोग भी उसका प्रीसेट यूज करते तो आपका फोटो में बस सेलेक्ट नहीं होता है। तो गाइस आज हम इसी को दूर करने वाले हैं, हाथ का कला करेंगे। तो गाइस अपने हाथों से हम कलर ग्रेडिंग करेंगे, कैसे करना आप लोग को इस तरह के फोटो अगर बनाना है। तो गाइस ये फोटो देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो गाइस अगर आप लोग भी इसका ओरिजिनल पिक देखोगे तो गाइस आप लोग भी बोलोगे कि भाई ये फोटो कैसे बना। तो गाइस ये देख सकते हो आप लोग इसका ओरिजिनल पिक देख रहे हो गाइस कैसा है ये फोटो। तब गाइस मैंने इस फोटो ग्रेडिंग किया तो कुछ इस तरह का बना। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि फोटो कैसे बना, अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो गाइस चलिए आज हम करेंगे बिना प्रीसेट यूज किए लाइटरूम एप्लीकेशन से कैसे एडिटिंग करते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हो बस यही सब हम कलर जो कलर ग्रेडिंग यही सब जो इसको यूज करेंगे। तो गाइस और फिर हम जो अपने हाथों से कलर ग्रेडिंग करेंगे तो कैसे करना है बहुत ही आसान है गाइस। तो गाइस मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूं कि वीडियो को एंड तक देखना, फुल वॉच करना, आप लोग भी काफी अच्छे तरीके से एडिटिंग सीख जाओगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सो हेलो गाइस, यहां पर जो आप लोग अपने फोटो को सिलेक्ट कर ले, तो गाइस लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर में फोटो को ओपन कर लो। सो गाइस यहां पर जो हमारा फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर में ओपन हो चुका है। तो गाइस सबसे पहले हम यहां पर जो कलर वाले आइकॉन पे आएंगे, यहां पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहां पर मिक्स वाले आइकॉन पे आएंगे। देन यहां पर आने के बाद गाइस सबसे पहले आप लोग को ग्रीन वाला आइकॉन जो उसको सेलेक्ट करना है। देन यहां से आपको इसको पूरा इधर करना है, ठीक है। सैचुरेशन को भी पूरा माइनस पे कर देना है। देन उसके बाद आप लोग को यहां पर येलो टोन वाला सेलेक्ट करना है। देन इसको भी पूरा माइनस पे कर देना है गाइस, काफ़ी अच्छा डार्क हो जाएगा। फिर थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है फेस का कलर करेंगे। तो फेस का कलर करने के लिए आप लोग को थोड़ा सा करना है, अगर आप लोग का फेस अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो अगर अच्छा नहीं है तो फिर कलर कर लेना आप लोग। और यहाँ पर जो है ये रेड वाला कलर हमारा लिप्स का कलर है, लिप्स का जो है काफ़ी अच्छा मतलब दिखेगा। डन उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर कर देना है डन। डन करने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ से थोड़ा सा जो है इसको इंक्रीज करना है, 4 के आसपास रखना है। देन गाइस उसके बाद आते हैं बैक, फिर यहाँ से हम इफेक्ट वाले आइकॉन पे आना है। इफेक्ट वाले आइकॉन पे आने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा जो बैकग्राउंड के साइड पे थोड़ा सा ब्लैक इफेक्ट देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। देन यहाँ से इसको थोड़ा और इंक्रीज करेंगे और इसको थोड़ा सा जो है फीका करेंगे। देन इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड के चारों तरफ से खींच के लाएंगे। देन गाइस इतना होने के बाद आप लोग को गाइस यहाँ पर आप लोग को क्लैरिटी मिल जाएगा, ये रहा क्लैरिटी। देन इसको आप लोग को थोड़ा सा इंक्रीज करना है तो ताकि फोटो हमारा जो है काफ़ी अच्छा HD लगेगा। तो गाइस इतना होने के बाद यहाँ से आते हैं बैक। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर फिर से कलर वाले आइकॉन पे आना है। कलर वाले आइकॉन पे आने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर हाइलाइट्स का कलर मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा कलर होता है यहाँ से। तो गाइस सबसे पहले आप लोग को ये दूसरे वाला आइकॉन जो इसको सिलेक्ट करना है। देन यहाँ से गाइस आप लोग को थोड़ा सा जो कलर अच्छा लगे आप लोग करना, मैं तो अभी डार्क बैकग्राउंड बनाने वाला हूँ। तो गाइस थोड़ा सा न्यू ही इधर करेंगे। देन आप लोग को थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा हम रेड टोन पे करेंगे इसको। देन इसके बाद आप लोग को थोड़ा इसको इधर करना है। तो गाइस काफ़ी अच्छा जो हमारा बैकग्राउंड थोड़ा डार्क हो जाएगा। देन यहाँ पे हम कर देंगे डन। तो गाइस यहाँ से आते हैं बैक, देख सकते हो आप लोग फोटो का बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस काफ़ी अच्छा अभी हमारा फोटो बन चुका है। देन थोड़ा सा बाकी है कि यहाँ पर प्रोफाइल्स वाला आइकॉन मिल जाएगा, आप लोग को प्रोफाइल्स पे आना है। देन गाइस यहाँ पर आप लोग को बहुत सारा जो है इफेक्ट मिल जाएगा, आप लोग जो चाहो सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप लोग को। तो यहाँ पर गाइस हम क्लियरली आप लोग को बताता हूँ कि मैं अभी डार्क बैकग्राउंड बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमको Artist 3 जो है इसको सिलेक्ट करना है, Artist 3। तो गाइस इसको सिलेक्ट हो चुका है। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पे कर देना है डन। तो गाइस अब देख सकते हो आप लोग फोटो का बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। गाइस उसके बाद आप लोग को इस फोटो को जो है सेव कर लेना अपने गैलरी के अंदर में। यहाँ पर शेयर वाले आइकन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस फोटो को सेव कर लेना है। उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ से आना है बैक। बैक आने के बाद गाइस आप लोग को जो है इस फोटो को डिलीट कर देना है, जो भी आप लोग एडिट किए इसको डिलीट कर देना है। चलिए यहाँ से हम डिलीट करते हैं। देन उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ से उस फोटो को सिलेक्ट करके फिर से आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर में ओपन कर लेना है जिस फोटो को भी आपने एडिट किया। चलो हम ये फोटो को एडिट किए थे, इसको ऐड कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर जो है हमारा फोटो फिर से आ चुका है। देन गाइस उसके बाद आप लोग को सबसे पहले गाइस आप लोग को यहाँ पर इफेक्ट वाला आइकॉन पे आना है। देन यहाँ पर आने के बाद गाइस आप लोग को क्लैरिटी को जो थोड़ा सा इंक्रीज करना है ताकि फोटो जो हमारा HD लगे, काफ़ी अच्छा HD लगेगा। यहाँ पर हम 10 पे करते हैं क्लैरिटी को, फिर थोड़ा सा हम ब्लैक इफेक्ट इधर करेंगे तो गाइस काफ़ी अच्छा लगेगा। देन आते हैं यहाँ से हम बैक, फिर गाइस आप लोग को यहाँ पर लाइट्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आना है। देन यहाँ से हम थोड़ा हाइलाइट्स को कम करेंगे, फिर वाइट्स को कम करेंगे और थोड़ा सा ब्लैक को जो इंक्रीज करेंगे। गाइस आते हैं बैक यहाँ से, उसके बाद गाइस आप लोग को कलर वाला आइकॉन पे आना है। कलर वाला आइकॉन पे आने के बाद गाइस मिक्स के अंदर आना आप लोगों को। मिक्स के अंदर आने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ सबसे पहले नील वाला आइकॉन जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है, ये रहा नील वाला आइकॉन, इसको सिलेक्ट करना है। देन इसका जो है सैचुरेशन पूरा माइनस कर देना ताकि हमारा बैकग्राउंड ब्लैक डार्क हो जाए तो काफ़ी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा हम आते यहाँ पर फेस वाला कलर जो है इसको इंक्रीज करेंगे, फेस का कलर बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा हम फेस का कलर जो ही बनाएंगे तो गाइस उसके बाद हम यहाँ पर लिप्स का कलर जो है यहाँ पर हमारा काफ़ी अच्छा, थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे। देन गाइस उसके बाद आते हैं हम यहाँ से बैक, यहाँ पर कर देना आप लोग को डन। देन गाइस उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा जो है इसको इंक्रीज करना है, देन इसको भी 2 पे करना है, देन इसको भी इसको थोड़ा सा माइनस पे करना है। देन गाइस उसके बाद आप लोग को यहाँ पर हाइलाइट्स का कलर मिल जाएगा, इस पर आना है। देन यहाँ से आप लोग को सेकंड वाला ऑप्शन पे फिर से क्लिक करके जो इसको सिलेक्ट करके
यहाँ से हम रेड बैकग्राउंड, रेड नहीं सॉरी, यहाँ से हम डार्क करेंगे तो थोड़ा सा जो बैकग्राउंड पे हम लोग को रेड टोन डालना पड़ेगा ताकि बैकग्राउंड अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा हम जो यहाँ पर रेड टोन डालते हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। देन आप लोग को इस पर सेलेक्ट करना है, देन इस पर गाइस आप लोग को हल्का इधर करना, यूँ ही चेंज करना, गाइस काफ़ी अच्छा लगेगा। देन इसको करना डन। देन गाइस उसके बाद आप लोग यहाँ पर प्रोफाइल्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आना प्रोफाइल्स पे। देन यहाँ पर आने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर सिलेक्ट करना है आर्टिस्ट 3 जो मैंने पहले बताया था, इसको सिलेक्ट करना, इस पर टच करना है, फिर से इसका जो ऑपेसिटी आप लोग को कम करना है, अमाउंट थोड़ा सा 52 पे रखना है अमाउंट इसका। देन उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर कर देना है डन। सो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फोटो का बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा फोटो, थोड़ा सा हम और ब्लैक डालते हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर आना है, देन सॉरी यहाँ पर नहीं, लाइट्स पे आना आप लोग को। लाइट्स पे आने के बाद गाइस आप लोग को थोड़ा सा जो है इसको इधर करना है, 28 पे करना है, काफ़ी अच्छा लगेगा। वाइट्स को कम करेंगे, शेडो को जो हल्का इंक्रीज करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को जो थोड़ा सा 11 पे रखेंगे कॉन्ट्रास्ट को, तो काफ़ी अच्छा लगेगा गाइस। उसके बाद आते हैं बैक, अब देख सकते हो फोटो का बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। गाइस काफ़ी अच्छा डार्क बैकग्राउंड बन चुका है हमारा, जो कि फोटो काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। देन गाइस उसके बाद आप लोग को इस फोटो को सेव करना है, तो सेव करने के लिए आप लोग को सेरल आइकन पे क्लिक करना है, सेव टू डिवाइस, फोटो को अपने गैलरी के अंदर में सेव कर लेना। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप भी काफ़ी अच्छे तरीके से एडिटिंग सीख सकते हो। तो गाइस चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।